भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश के चिकित्सा मंत्री और जलदाय मंत्री को पत्र लिखा है। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति को लेकर सरकार को आगाह किया है। वहीं चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर कहा गया है कि राजस्थान के जो इंटर्न चिकित्सक कोरोना से लड़ाई में न्यूनतम मानदेय पर सेवा दे रहे हैं, उनका अन्य प्रदेशों की ही तरह स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। कोरोना के साथ साथ प्रदेश में गर्मी का आहट और आगमन हो गई और इसी के साथ राजस्थान क्योंकि इन चुनौतियों से जूझता रहा, तो कोरोना के साथ पेयजल को उपलब्ध कराना ये सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पेयजल के बारे में प्रबंधन ये ज्यादा महत्व रखता है। मुझे लगता है कि सरकार अभी चेती नहीं है और इस बाबत मैंने एक पत्र माननीय श्रीमान बी डी कल्ला जी को, संबंधित मंत्री को लिखा है। उसमें सरकार की उदासीनता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि गर्मियों से पहले जो कंटिंजेंसी प्लान बनता है उसका एग्जीक्यूशन इस समय शुरू हो जाता है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, जहां पूर्ववर्ती सरकार ने 881 करोड़ का बजट 2018 में ये अलॉट किया पेयजल के लिए, इसी तरीके से इस समय इस सरकार ने 2019 में 157 करोड़ और मार्च में 149 करोड़ की स्वीकृत पेयजल योजना, ये इतना पैसा खर्च यानी स्वीकृति दी गई है, यानी 800 से सीधे 149 करोड़ इतनी स्वीकृति।